अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेज मैक्रोनी कैसे बनाई जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पे बॉइल्ड मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ एल्बो शेप में। इसका पानी मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसमें कुकिंग ऑयल और नमक ऐड किया और उसके बाद मैक्रोनी को बॉईल किया 10 मिनट के लिए। एक बंद गोभी का फूल, एक प्लेट गाजर बारीक कटी हुई, हाफ टी स्पून वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, साबुत सुरख मिर्च के बीज, एक चुटकी चाइनीज़ नमक, एक छोटे साइज़ का टमाटर, 4 अदद हरी मिर्च, एक स्मॉल साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, एक प्याली मटर और एक प्लेट शिमला मिर्च। कढ़ाई में सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर मैंने लाइट ब्राउन करना है। मटर को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है। प्याज का कलर मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। सुरख मिर्च, सब्ज मिर्च, ऑल स्पाइसेस, गाजर, मटर। मटर मैंने ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। गाजर को थोड़ा सा गलाने के लिए हम लो फ्लेम पे इसे कवर करके रख देंगे। तीन मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था ताकि गाजर को हम थोड़ा सा गला लें। ज़्यादा नहीं गलानी हमने ताकि ये क्रिस्पी रहें सारी चीज़ें। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड करूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर टमाटो केचप ऐड करूंगी। ये ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दस मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। अब मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। मैक्रोनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं लो फ्लेम पे अगेन 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दूंगी। पाँच मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था। अब मैंने इसके नीचे फ्लेम बंद कर दिया है। ये बन के तैयार है। अब मैं इसे बाउल में अलग से निकाल लूँगी। वेज मैक्रोनी की रेसिपी बन के तैयार है। आप इसे ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।